आप ये बताइए ना, आप मेरी वरिष्ठता का सर्टिफिकेट मत दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, पीड़िता का बयान सुनिए। योगी आदित्यनाथ जी ने भी जो पीड़िता का परिवार था उससे नहीं, पुलिस ने किसकी शह पर जला दिया, घर नहीं जाने दिया, आज ये जवाब दीजिए आप। आप सीधे प्रधानमंत्री पर वार कर रहे हैं तो बताइए राजस्थान के लिए किस पर जिम्मेदारी डाली जाए। और मुझे ये बताइए ना, अगर आपको वाकई उस बच्ची के लिए इंसाफ की बात करनी थी, चली थी कम ही ऐसे मौके आते हैं जब मीडिया एंकर बीजेपी नेताओं से सवाल करते हैं। इस बार हमने ऐसा मौका हाथरस के मुद्दे पर देखा। आज हम बात करेंगे आज तक की वरिष्ठ पत्रकार अंजना ओम कश्यप की और उनकी वो डिबेट देखेंगे जिनमें वे बीजेपी नेताओं से सवाल करती नजर आई। क्या वे ऐसा आगे भी करती दिखाई देंगी, इस पर भी बात करेंगे। आज तक पर यूपी में हुई घटना को लेकर डिबेट हुई। इस डिबेट में अंजना ने बीजेपी नेता से पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल किए, जिस पर बीजेपी नेता बात को इधर उधर घुमाते दिखे, जिस पर अंजना बीजेपी नेता पर भड़क उठी। वो है सफदरगंज में पोस्टमार्टम हुई, उसके पहले अस्पताल में मेडिकल रिपोर्ट हुई, उसके बाद FSL फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जहां पर पूरी जांच रिपोर्ट आई है। अब वो सारी जांच रिपोर्ट आने के बाद अगर आप ये कह रही है कि हम कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये आप हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है। अब उसके बाद भी अगर आप कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। अगर एक नैरेटिव विपक्ष ने बना लिया है, आप उस नैरेटिव को आगे ले जाना चाहते हो, तो मुझे कोई त्रिपाठी आपने अपनी बातें कह दी और ये भी बता दिया कि मैं विपक्ष का नैरेटिव ले जा रही हूं, तो मुझे आपसे कोई सर्टिफिकेट चाहिए नहीं साहब। ए बी पीड़िता का बयान जिसे डाइंग डिक्लेरेशन माना जाता है, क्या आप उसको सिरे से नकारने के लिए तैयार हैं? क्या आप ये कहेंगे कि हम FSL की रिपोर्ट, आपने तो इसीलिए ना यही छिपाने के लिए तो आधी रात में आपने शव जला दिया, वरना इस तरह की मांग हो सकती थी कि फिर से एक बार मेडिकल हो? आप ये बताइए ना, आप मेरी वरिष्ठता का सर्टिफिकेट मत दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, पीड़िता का बयान सुनिए। आज तक पर यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर डिबेट में अंजना ओम कश्यप ने ADG के बयान पर बीजेपी नेता से सवाल किए, जिस पर वे बात को गोलमोल घुमाते दिखे, पर अंजना ने बीजेपी नेता को टोका और सही जवाब देने को कहा। दो बड़े काम आप गिनाना भूल गए सुधांशु जी, मैं आपको टोकती नहीं हूँ, लेकिन आप सुनिए जरा, दो बड़े काम जो आप लोगों ने किए वो बताना भूल गए, इसीलिए टोक कर बता रही हूँ। एक, ADG सामने आए ये बताने के लिए और समझाने के लिए कि गैंगरेप तो हुआ ही नहीं। जी, मैंने कल्पना नहीं की थी कि ये सवाल मुझे आपसे पूछना पड़ेगा, लेकिन आज मैं पूछ रही हूँ। तो क्या वो 3 से 4 लोग, एक सेकंड सर, बिना हत्या के वो चले गए, हत्या करने के लिए ले गए थे, किस चीज के लिए ले गए थे सर बता दीजिए। अंजना जी, जो आपने सवाल किया हो बिल्कुल जायज है, इसलिए ADG के बयान का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक SIT के द्वारा उस चीज की पुष्टि नहीं हो। क्यों दे रहे हैं? SIT इस विषय किसी की बच्ची के साथ अगर बलात्कार होता है तो किसी के भी बयान है ना सर, वो पुलिस के पास जाता है ना। ये तो बेटियों को समझाने के बराबर है कि आगे से अपनी मुंह मत खोलना, वरना तुम्हारे चरित्र पर सवाल खड़े करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? कठोर दंड मिलेगा, चाहे अधिकारी हो या पुलिस का व्यक्ति हो। आज तक पर हाथरस के ही मुद्दे पर डिबेट में अंजना ने बीजेपी नेता से बदलते बयानों को लेकर सवाल किए, पर वे विपक्ष पर उंगली उठाते दिखाई दिए और अंजना को भी विपक्ष के साथ बताया, जिस पर अंजना ने बीजेपी नेता को करारा जवाब दिया। इसमें कोई राजनीति नहीं हो सकती, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता, लेकिन अंजना जी मैं एक बात जरूर कहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी योगी जी से बातचीत करी। अभी आपका चैनल दिखा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी ने भी जो पीड़िता का परिवार था उससे नहीं, बात नहीं, पुलिस ने किसकी शह पर जला दिया, घर नहीं जाने दिया, आज ये जवाब दीजिए आप। पुलिस ने किसकी शह पर, किसके आदेश पर, कहां से ऐसी हिमाकत उनमें आई कि उन्होंने बॉडी को घर नहीं जाने दिया और ले जाकर जला दिया? माँ बाप रोते रहे एम्बुलेंस के सामने, गौरव भाटिया इसका मतलब समझते हैं आप? आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, सुनिए अंजना जी, किसके शह पर पुलिस ने ऐसा किया, जवाब दीजिए। वो हमारी बहन थी जो अब इस दुनिया में नहीं है और इसीलिए दर्द हो रहा है, हमारी बच्ची हो सकती थी नहीं। आप ये बताइए सर, ये सब इमोशनल बातें नहीं सुननी हमें, हमें पता है कौन सा नेता क्या कह रहा है, आप सीधा इस पर जवाब दीजिए आज गौरव भाटिया। ये देखिए तस्वीर, जहां एक तरफ अंजना हाथरस के मुद्दे पर सरकार से सवाल करती दिखाई दी, तो दूसरी तरफ विपक्ष को भी सवालों में उन्होंने घेरा। जब राहुल गांधी हाथरस जाने के लिए निकले तो उन्हें प्रशासन ने रोका, जिस पर मीडिया को मुद्दा मिल गया और हाथरस के मुद्दे का ध्यान राहुल गांधी पर आ गया। इसके बाद राहुल गांधी के मुद्दे पर डिबेट में जब कांग्रेसी नेता प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी पर हाथरस की घटना पर सवाल करने लगे, तो अंजना उन्हें बीच में टोका और राजस्थान की घटना पर बात करने को कहा। क्या DM और SP रिस्पॉन्सिबल है?
अरे इस देश के प्रधानमंत्री इस प्रदेश से आते हैं जो पल पल केस को मॉनिटर कर रहे हैं, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री जिसके इशारे के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, हमको एक स्वर में कहना चाहिए कि ये सारा दुस्साहस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का किया हुआ है। क्या अभय जी, अभय जी, तो आप ही के इस नियम से राजस्थान में अगर कोई अपराध हो इस तरह का तो उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराए? मुख्यमंत्री वहां पर किसने बताया है सबको पता है, आप सीधे प्रधानमंत्री पर वार कर रहे हैं, तो बताइए राजस्थान के लिए किस पर जिम्मेदारी डाली जाए। और मुझे ये बताइए ना, यहाँ पर तो एसपी और डीएम क्लीन चिट दे रहे थे, एडीजी सीधे कह रहे थे रेप नहीं है, लेकिन वहां पर तो मुख्यमंत्री ने बता दिया, जांच पूरी होने से पहले लिख दिया कि लड़कियां अपनी मर्जी से गई थी, तब आपका जमीर आपका नहीं जागता। सिरोही और तमाम जयपुर ऐसी जगहों के लिए भी एक कविता रच दूं और एक कविता पढ़ दूं। हाथरस के मुद्दे पर हो रही राजनीति पर आज तक पर डिबेट हुई। इस डिबेट में बीजेपी नेता और कांग्रेसी नेता के बीच बहस चल रही थी, तभी कांग्रेसी नेता ने इसे राजनीतिक करने का आरोप बीजेपी पर लगाया, जिस पर अंजना बीच में बोलने लगी और कांग्रेसी नेता को टोकने लगी। उत्तर प्रदेश जवाब लूंगी, चोरी पकड़ी जा रही है, यही सच्चाई सामने आ रही है, कैमरे के सामने अपनी अपनी पॉलिटिक्स चमकाना कार्यकर्ताओं के साथ भी राजनीति है। अगर आपको वाकई उस बच्ची के लिए इंसाफ की बात करनी थी, चली भी पंद्रह किलोमीटर इतने कार्यकर्ताओं की जरूरत क्या? सामान्य बच्ची और बच्ची के लिए नाई की जगह समाजवादी पार्टी के लोग पहुंच रहे हैं, आपके कार्यकर्ता डीएनडी पर कर रहे हैं, क्या मुझे 20 सेकंड चाहिए? क्या ये हमदर्दी थी? सिर्फ आपकी कैमरा हम पर आ जाए, अरेस्ट किया गया, 20 दिन तक किसी ने सुन नहीं ली, आज तक लगातार जाहिर कर रहा था, किसी नेता को नहीं समझ में आया, और गरीब परिवार को गले लगा के रहेंगे। हाँ तो आपको तय करना पड़ेगा कि चार या पांच लोग जाएंगे, अगर आप इस तरह से बारात लेकर जाएंगे लगेगा नामांकन भरने जा रहे हैं, तो सवाल पूछा जाएगा मैडम, नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते? अगर हमारा मीडिया चाहे तो सरकार से सवाल कर हर मसले का हल निकलवा सकती है, पर अगर वह ऐसा करे तो ना। खैर, हमारा मीडिया कुछ जरूरी मुद्दों में तो अब तेजी दिखाने लगा है, हम उम्मीद करेंगे कि मीडिया हर जरूरी मुद्दे पर ही ऐसे तेजी दिखाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।